हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड भाईकर अनिके। सुबह पहला ब्लॉग अपलोड हो गया, चैलेंज का पहला ब्लॉग। अभी दूसरा वीडियो दूसरा ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा हूँ, बस राहुल के घर पे जा रहा हूँ। रास्ते में हूँ, मास्क वगैरह पहन के सेफ्टी के साथ राहुल के घर पे पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली मैं राहुल के घर पे यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अभी तो राहुल अंदर है, इसको मैंने कॉल किया था पहले कि दरवाज़ा खोल के रख, लेकिन इसने दरवाज़ा खोल के नहीं रखा, अभी दरवाज़ा ठोकना पड़ेगा। हेलो, कोई है? कोई है क्या घर पे? फुल सेटअप विटअप करके रेडी है अभी। हाय बाय। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। अपना सीरियल नहीं चल रहा है, सीरियल शूट नहीं हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर सेटअप करना है, यहाँ पर सेटअप करना है। तो आज के पूरे व्लॉग में यही होगा कि हम लोग क्या बनाएंगे, क्या सेटअप करेंगे, पूरा सेट करके आप लोगों को बताएंगे। सो गाइज, अभी प्लान ये है कि हम लोग मार्केट में जाएंगे, स्केच वगैरह लेने का है, और भी कुछ डिज़ाइन के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ लेने का है। तो हम लोग अभी मार्केट में जाएंगे, वो सब लेके आएंगे। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये पीछे वॉल है जहाँ पर हम लोग ने इसने न्यूज़पेपर्स लगाया वहाँ पर, और वो साइड जो दीवार है वहाँ पर हम लोग ने कलर पेपर्स या फिर जो नॉर्मल डिज़ाइन पेपर्स होते हैं उसमें से वॉल डिज़ाइन का पेपर लेके आके वहाँ पर हम लोग ने लगा दिया। तो अभी बाकी की वॉल जो डिज़ाइन करनी है उसके लिए हम लोग ने ये सब बना के आ गया। ये एक है, ये ऐसे टाइप में ये हैशटैग बन गया, इसको भी कट करके ऐसे ही करेंगे। फिर इसके अंदर मोटिवेशनल थॉट्स लिखे जाएंगे, मतलब कुछ भी जो भी है मोटिवेशनल थॉट्स, हम लोग को जो भी अच्छा लगेगा हम लोग इसके अंदर लिखेंगे और ये दीवार पर लगा देंगे। तो ये फिलहाल के लिए प्लान्स है, और बाद में फ़ोटोज़ वगैरह जो होंगे वो इंस्टाग्राम पे हम लोग डाल के उसमें से जो अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ है जो ज़्यादा लाइक्स पे जाते हैं या फिर जो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, जिस पर हम लोगों को ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, वो फ़ोटोज़ का प्रिंट आउट निकाल के हम लोग वॉल पे लगाएंगे। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है, जैसे घर बैठ के सब लोग आपने देखा होगा कि फ़ोटोशूट के लिए इसके लिए उसके लिए वॉल अपना डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक ही तरीके से डिज़ाइन नहीं करते, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे करके हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और क्या क्या हम लोग को लग रहा है डिज़ाइन करने के लिए। तो वो एक चीज़ है। फिर बाद में पेंटिंग्स है, पेंटिंग मतलब पेंटिंग नहीं है, नॉर्मली स्केच है। एक बच्चे ने स्केच बनाया हुआ था इसके घर पर आके, इसने बुलाया था स्केच बनाने के लिए, मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया, अभी उसके जगह पर भी स्केच बनाना पड़ेगा। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या कंटेंट देखना है, और वो वीडियो के ऊपर कमेंट आए कि बहुत सारे कंटेंट आप लोगों ने बताया, ऐसे ही सपोर्ट करो। उसमें से एक कंटेंट स्केच का भी था, तो जैसे मैंने बताया था मैं स्केच बनाऊंगा, तो हाँ स्केच बनाना पड़ेगा क्योंकि आपने डिमांड किया, तो अभी बनाना पड़ेगा। तो स्केच बना के यही पीछे लगेगा। तो बस फिलहाल टास्क यही है, हम लोग मार्केट में जाके आते हैं, सामान लेके आते हैं, फिर बाद में वॉल का काम चालू। तब तक स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, हम लोग निकल गए, हम लोग जा रहे हैं चिन्नय स्वामी करके एक दुकान है जहाँ पर खुला है, आप देख सकते हो, बाकी सारे दुकान बंद है, लॉकडाउन है, आप पता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लॉकडाउन दिख रहा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन तो है यहाँ पर। चिन्नय स्वामी करके एक दुकान है जो मे बी ओपन हो सकता है, और ये कुत्ता है बीच में, जो मे बी ओपन हो सकता है, और हम लोग वहाँ पर ही जा रहे हैं। देखते हम लोग भी वही सोच रहे हैं कि मार्कर वगैरह जो भी हो सकता है, जो वॉल पेंटिंग के लिए हम लोग को लगेगा, हम लोग वो सारी चीज़ें ले लेंगे, और उसके बाद में बता दें चिन्ना की दुकान पे जाते हैं। चिन्ना की दुकान का नाम क्या है? अरे हमको भी नहीं पता, खाली बचपन से हम लोग उसकी दुकान, बचपन से चिन्ना स्वामी की दुकान हम लोग बोलते आ रहे हैं, बिकॉज स्टेशनरी की ज्यादा करके चीजें वहाँ पर ही मिलती है। बस बंद है रे मेरे, आया नहीं, बंद है, चालू है, बंद है, बस बंद है दुकान। अभी किधर मिलेगा अपने? देखेंगे थोड़ा, देखेंगे घुमाएंगे अभी, और क्या, चालू है कि बंद है? बंद नहीं देखते, चालू है, चालू चालू है ना, हाँ बस चालू है दुकान। ओके सो गाइस, हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं, शॉपिंग मतलब स्टेशनरी पैकेट, थोड़ा पर जो भी है, थोड़ी चीज़ें लेनी थी, ये स्केच पेन हो गए, फिर ये पेंसिल, उसके बाद में ये शॉर्पनर, सारा अप्सरा अपन ब्रांड चीज वापर थे ना बचपन से, ये फ्रेंडशिप बैंड्स थोड़े डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद में बाकी जो बना के रखा था वो तो आप लोगों को पता है, और पेट पूजा करने के लिए ये सब स्नैक्स, ये लिटल आर्ट्स, ये मेरा एक मैंने खा लिया, कितनी लग रही थी तो शूट करने तक नहीं रुका, तो मैंने खा लिया डायरेक्टली, एक सिर्फ आपको बचाने के लिए रखा है, और ये खत्म हो गया, ये खा लिया,
बताने तक नहीं रुका, वो थोड़ा एडजस्ट कर लो, बुक्कड़ है आपका भाई। खाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सब चीज़ें जमा करके, देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, किधर किधर हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, वॉल पे क्या क्या शूट करेगा, क्या लिखने का हम लोग को, वो पूरा एक शीट पे लिख के उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हो ना इधर ही कहीं जा रहे तो नहीं, बैठो ब्लॉग पूरा देख के, जो अभी तक रुके हो तो पूरा देख के, जो क्या बनाएंगे वो देख के, तब तक सारी चीज़ें सेट है, फ्रेंडशिप बैंड्स, स्केच पेंस, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल और ये जो फ्रेम्स बनाए हुए थे वो सारे फ्रेम्स हैं, ऐसे टाइप के फ्रेम्स हैं, ऐसे टाइप के फ्रेम्स हैं, ये सारे फ्रेम्स रेडी है। तो बस हमें करना ये है कि ये स्केच पेन से इन फ्रेम के अंदर हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे या फिर कुछ मोटिवेशन थॉट्स इसके अंदर लिखेंगे। और ड्राइंग बुक की तरह ये ड्राइंग बुक में फीचर स्केचेस बनाने पड़ेंगे, वो तो बताइए नहीं बता। तो बस इतना ही है, ये सब चीज़ें करके पीछे जो दीवार है वापस सेट करना है। तो ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा इस चक्कर में, तो हम लोग ने ये प्लान किया है कि इस पार्ट में ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा सस्पेंस रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि हम लोग ने क्या बनाया है, क्या लिखा है, कैसे डिज़ाइन किया है, क्या स्केचेस बनाए हम लोग ने, ये आप लोगों को इस पार्ट में नहीं पता चलेगा। थोड़ा सस्पेंस आप लोगों के लिए भी कमेंट में लिख के बताओ कि क्या किस तरह के मोटिवेशन होंगे, किस तरह के मोटिवेशन कोट्स होंगे, किस तरह के स्केचेस होंगे, क्या बनाएंगे हम लोग। और ये रिबन से फिर जो भी है, ये फ्रेम्स कौन से वॉल पे क्या लगने वाला है, ये रिबन से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, नेक्स्ट पार्ट में तो हम लोग बता ही देंगे कि हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट पे वॉल पे लगने वाली है और आप लोग सामने साथ में होंगे हमारे। सर लेते बनाने के लिए बचा है, स्केच में बाद में करूंगा। स्केच के लिए मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊं, बिकॉज एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि स्केच पे वीडियो बनाओ, तो स्केच पे मैं अलग से वीडियो बना के उसको ये वॉल पे लगा देंगे। लेकिन फिलहाल पीछे का जो वॉल है उसके लिए जो सेटअप हम लोग को चाहिए था, जो फ्रेम्स थे वो फ्रेम्स में लिख के डायग्राम बना के सब हो गया, सिर्फ वो पीछे पेस्ट करना है वॉल के ऊपर। तो बाकी आज के दिन के लिए तो इतना ही, बिकॉज ये बहुत लंबा व्लॉग बन गया है, और ज़्यादा लंबा बनाऊंगा तो आप लोग भी नहीं, मतलब नहीं देख पाओगे, इतना लंबा व्लॉग नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, व्लॉग बनाने के लिए बैठे हैं, एक छोटा प्यारा अच्छा सा एक व्लॉग बनाएंगे। तो ये पार्ट वन होगा जिसमें मैंने सब कुछ बताया आपको कि क्या लेके आए हैं, क्या किया हम लोग ने। अभी पार्ट सेकेंड आएगा जिसमें ये सब डेकोरेट करते हुए हम लोग आपको दिखाएंगे, और बेसिक उसमें हम लोग ने क्या लिखा है, मोटिवेशनल थॉट्स है, क्या थॉट्स है, क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें हम आपको इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून, पार्ट वन यही ख़त्म करता है। तो बस होप यू लव दिस वीडियो एंड फाउंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर योर काइंड, डू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ, ज़रूरत है। और चीयर्स, शाम के कितना बजे बैठाएंगे? 6:30 टाइम है, 6:30 चाय पी रहे हम लोग, आप लोग भी चाय पियो। क्वारंटीन में क्या कर रहे हो बैठ के, चाय भी तो पियो आराम से मस्त में, लेटे लेटे क्या करेंगे। आप लोग अभी लोग रुको, जाओ नेक्स्ट पार्ट में आओ, नेक्स्ट पार्ट में इसमें ये खत्म करके मैं भी जाने वाला हूँ।